मोहब्बत से गम और उदासी ना पैदा हो तो मोहब्बत नहीं वहम होता है। जिसने लोगों को मोहब्बत और अट्रैक्शन में फर्क समझ आ गया, 99% मोहब्बतें जारी निकलानी है। मोहब्बत नफ्सियाती मसला है, ये नॉर्मल और प्रैक्टिकल लोगों को कभी नहीं होती। जिस तरह रेडियो की नाप घुमाते हुए मतलूबा चैनल साफ चलने पर नाप रोकनी जाती है, मैं चाहता हूँ ऐसे ही किसी लम्हे तुम्हारे होठों पर आने वाली मुस्कुराहट को मुश्किल कर दूं। भूख सिर्फ खाली पेट ही की नहीं होती, किसी चीज से महरूमी जिसकी शिद्दत से तरब हो वो भी भूख है। थोड़ी अक्ल इश्क की मुनकिद होती है। मोहब्बत का एक उम्दा पहलू ये है कि ये फिक्र की आदत डालती है, किस्मत मारे तो तमाचा मुंह पर नहीं रूह पर पड़ता है। अगर कोई शख्स आपको मुसलसल ज़हनी अज़ियत में मुमतला करके मोहब्बत का दावा करता है तो यकीन माने उसे आपसे सच्ची मोहब्बत हो ही नहीं सकती। ज़िंदगी हर किस्म के इंसान के साथ गुजारी जा सकती है सिवाय बेकदरे के। ज़िंदगी की बड़ी बड़ी गलतियों में से एक गलती ये भी है कि आप कम ज़रफ़ और खुद गर्ज लोगों पर अपना खलूस ज़ाया कर देते हैं। अगर मर्द औरत के साथ इखलाक और इज्जत से पेश आए तो औरत इस मर्द को पसंद करने लगती है। यह चीज औरत की फितरत में है कि उसे जहाँ से इज्जत और वफा मिले वहाँ रहना पसंद करती है। रहा से मोहब्बत के दुख को जीना, हादसे के फीके पड़ते रंगों का अजाब सहने से बहुत बेहतर है। मोहब्बत चाहे कितनी ही सच्ची और गहरी क्यों ना हो, अगर बुजदी शख्स से हो जाए तो वो अधूरी ही रहती है। तो फ्रेंड, आज की हमारी ये वीडियो ख़त्म हुई, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।